एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, बेसिकली दिस लिमिटिंग रेशियो ऑफ है ना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स का है ना, जो मतलब डायरेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, एक ब्लॉक बना लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक मान लो एक ब्लॉक के ऊपर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ अप्लाइड फोर्स हमने डाला, अप्लाइड फोर्स की वजह से कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, और मान लो वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू में पहुंच गया। अब मान लो वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू में पहुंच गया, ठीक है ना। बेसिकली एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो आएगा ना ब्लॉक के ऊपर, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है ना, ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना बच्चों, ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक मतलब ना ग्राउंड से रिएक्शन फोर्स है, ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड से दो फ्रिक्शन फोर्स आ रहे हैं, तो सॉरी दो रिएक्शन फोर्सेस आ रहे हैं ना। वन इज द फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच हैज रीच्ड इट्स लिमिटिंग वैल्यू, द अदर वन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक फ्रिक्शन फोर्स है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है कि नहीं बच्चों, जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है दैट इज सुपर पोजिशन ऑफ, जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है कि नहीं है ना, जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है वो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना। बेसिकली जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है वो ये फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, इनका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। दिस इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली सुपरपोज फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन के साथ सुपरपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये फ्रिक्शन है तो ये भी फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर नीचे वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है तो ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन के साथ मैंने सुपरपोज कर दिया,
ना, तो वहां से मुझे मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का ये है रिजल्टेंट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का ये है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना बच्चों? तो सर ठीक आपकी है, आवाज थोड़ी लो आ रही है। यस मेरी आवाज बहुत लो आ रहा है सर, अभी? यस सर, अभी यस आ सर, रहा अभी है? अभी सही आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है आर, है ना, आर इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। आर क्या है? आर इज द रिजल्टेंट और नेट नेट रिएक्शन फोर्स। आर इज रिजल्टेंट और नेट रिएक्शन फोर्स, है ना, ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, है ना? तो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो वर्टिकल के साथ, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है फाई, दैट फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना? अच्छा, तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, है ना, विथ विथ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, पता नहीं फोन आ रहा है। सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल गया, वही फोन कॉल आया था। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट इज दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स से लेकर, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ टेन फाई, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, टेन फाई इज इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना, इम्प्लाइज टैन फाई इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स
ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया ना बच्चों? यस सर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? ओके है ना? ओके है। नेक्स्ट इज बच्चों, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है ना? अच्छा देखो बच्चों, है ना, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा और टाइम, ज्यादा नहीं। ये इतना सेंसिटिव टच हो गया है अभी।
हो गया फाइनली, ठीक है। अच्छा मान लो इसका बच्चों मास m है, इसका बच्चों मास m है और ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ एंगल ऑफ रिपोज का, ठीक है। चलो लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन, द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन। Defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal, such that such that a body placed on the plane just begins to slide down. Such that a body placed on the plane just begins to slide down. Body जिस plane के ऊपर था वो slide कर रहा है, right? It is sliding down, ठीक है। है ना, ठीक है। तो ये जो हमारा इंक्लिनेशन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका एंगल कितना मिनिमम होना चाहिए ताकि ये स्लाइड करने लगेगा, जस्ट ताकि ये जस्ट स्लाइड करने लगेगा, सो दैट इट स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है ना। देखो है ना, तो देखो बच्चों ये बॉडी के ऊपर यहाँ पे वेट लग रहा है, नीचे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है ना। अच्छा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे। अगर मैं mg को कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो mg का एक कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, और mg का जो दूसरा कंपोनेंट है वो आ रहा है mg cos थीटा, है ना। वेट हैज बेसिकली गॉट टू कंपोनेंट्स, वन इज mg sin थीटा, अदर वन इज mg cos theta, बच्चों फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन mg sin थीटा
शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, और द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन एम जी साइन थीटा, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा होना चाहिए। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन, फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन ऑन द इंक्लाइन, एम जी साइन थीटा जो है क्या वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। बॉडी को नीचे स्लाइड करने के लिए क्या एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, शुड एम जी साइन थीटा बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यस सर, यस सर। अच्छा, तो अगर एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है ना, सो इफ फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर द बॉडी टू स्लाइड डाउन, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, देन आई कैन से दैट सर एम इक्वल टू जी, रहने से तो वो रेस्ट पे रहेगा ना। नहीं नहीं रेस्ट में, नहीं, अरे देखो ये भी हो सकता है ना बेटा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, यस सर, तो वो भी तो स्लाइडिंग है ना, यस सर, यस सर। तो वहां पे इक्वल तो हो सकता है ना, हाँ सर, हो सकता है। ठीक है ना। जब रेस्ट में है तो एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, यही तो यस फिजिक्स सर, है, ठीक है, दिस इज द एसेंस ऑफ फिजिक्स, कि हमें हमसे कोई भी छोटा पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, है ना, कोई भी एनी स्मॉल पॉइंट है ना शुड नॉट बी मिस्ड, मिस नहीं होना चाहिए हमसे, ठीक है ना। तो एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी के बराबर नहीं है ना, यहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ना, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है कि नहीं, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, है ना, इम्प्लाइज एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, एम जी कैंसिल, इंप्लाइज टैन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, इंप्लाइज थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, है ना, फॉर स्लाइडिंग एंगल ऑफ रिपोज इज मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर स्लाइडिंग, है कि नहीं, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इक्वल टू मिनिमम एंगल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा रिक्वायर्ड, है ना, फॉर स्लाइडिंग, तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा ना रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग,
ना व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज है ना एंगल ऑफ रिपोज जो थीटा है दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, ठीक है ना, टैन इनवर्स म्यू, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट है हम लोग अभी बच्चों एक चीज है ना, हम लोग अभी एनालाइज करेंगे है ना, फर्स्ट व्हाई इट इज इजियर टू पुल कंपेयर टू पुश है ना, कोई भी चीज को पुश करने में क्यों ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कंपेयर टू इफ यू पुल द ऑब्जेक्ट, इट इज easier to pull than to push, देखो बच्चों push और pull में difference क्या है, push में जब हम body को push करते हैं ना, when we push the body actually है ना तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स द बॉडी, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी है कि नहीं, जब हम बॉडी को पुश करते हैं है ना बच्चों, बेसिकली अगर ये देखा जाए जब हम एक बॉडी को पुश करते हैं व्हेन वी पुश अ बॉडी, ठीक है ना, जब हम बॉडी को पुश करते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, वी आर एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी। तो मान लो एक बॉडी है और मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, I want to push it towards right. तो अगर एक बॉडी है और मैं उसको towards right direction में है ना दाहिने तरफ मैं उसको push करना चाहता हूँ. Let's say if there is a body which I want to push towards right. अगर मेरे पास एक बॉडी है let's say if I have a body which I want to push towards right, है ना, तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर मान लो मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, तो बेसिकली व्हेन आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स राइट मेरा फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली पुश करने के टाइम में क्या होता है, हमारा जो फोर्स है ना वो बॉडी के ऊपर टुवर्ड्स राइट लगता है, मान लो मैं ऐसे पुश कर रहा हूं ऐसे, तो पुश करने के टाइम में क्या होता है, ठीक है ना, मेरा जो फोर्स है बॉडी के ऊपर टुवर्ड्स राइट लगेगा, समझ में आ रहा है, विद एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये मेरा एफ फोर्स है मास एम के ऊपर, ठीक है ना, सो दिस इज बेसिकली व्हेन आई एम पुशिंग अ बॉडी टुवर्ड्स राइट, पुश में फोर्स टुवर्ड्स राइट है ना, टुवर्ड्स पुश में क्या होता है फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी लगता है ना, लेकिन इफ द सेम बॉडी को अगर मैं टुवर्ड्स लेफ्ट पुश करूंगा सॉरी टुवर्ड्स राइट पुल करूंगा, If I pull the body towards right, तो मान लो अगर मैं सेम बॉडी को इफ आई पुल द सेम बॉडी टुवर्ड्स राइट है कि नहीं बच्चों,
अगर मान लो मैं सेम बॉडी को राइट डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं, अगर मान लो सेम बॉडी को मुझे पुल करना है, तो पुल करने के टाइम में क्या होता है? इफ आई हैव टू पुल इट टुवर्ड्स राइट, तो व्हाइल पुलिंग इट टुवर्ड्स राइट, है ना, व्हाइल पुलिंग इट टुवर्ड्स राइट आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना, आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये जो फोर्स है वो अवे फ्रॉम द बॉडी अप्लाई करना पड़ता है ना। तो एक तो दिस इज टुवर्ड्स द बॉडी, ये जो है आई हैव टू अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी, है ना। नेक्स्ट इज फोर्स इज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। तो मुझे बेसिकली फोर्स कहाँ अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। तो व्हेन आई पुल, आई हैव टू अप्लाई अ पुल ऑन द बॉडी, है ना, फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन विच इज अवे फ्रॉम द बॉडी। समझ में आ रहा है बच्चों? डिफरेंस समझ में आ रहा है पुश और पुल में, है ना। कोई भी बॉडी को जब हम पुश करते हैं वी अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी, लेकिन कोई भी बॉडी को जब हम पुल कर रहे हैं वी अप्लाई फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। इज इट क्लियर? क्या ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, ये यस सबको सर, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सब सभी लोग समझ गए, है ना। यस सर। ओके, तो देखो, है ना, तो बेसिकली क्या होता है, पुश के टाइम में, ठीक है ना, जो हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो पुश करने के टाइम में क्या होता है, पुश करने के टाइम में क्या होता है कि हमारे पास ये जो फोर्सेस है, ये फोर्स के, है ना, अगर मैं ये फोर्स के दो कंपोनेंट ले लिया, मेरे पास जो फोर्स आ रहे हैं अगर मैं इसके दो कंपोनेंट ले लिया, एफ का ये कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, होगा ऐसे और एक कंपोनेंट, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये एक कंपोनेंट क्या है, एफ का एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज एफ साइन थीटा, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉडी के ऊपर एक तो एफ साइन थीटा आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका वेट है एम जी ना, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी का लग रहा है ऊपर, ठीक है ना। इस केस में क्या है ना, ठीक है ना, इस केस में क्या है, तो इस केस में क्या है, देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन इन द केस ऑफ पुश, व्हेन आई एम पुशिंग अ बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। हेलो,
बॉडी के ऊपर अगर हम बॉडी को पुश करते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन वही बॉडी को अगर हम पुल करते हैं जहां पे कि फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी, जहां पे कि फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, ठीक है ना, उस केस में क्या होता है, मान लो थीटा एंगल में मैं अगर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, पुल के टाइम में, तो एक फोर्स तो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, है ना, और उसी फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग हॉरिजेंटल आएगा, एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा अलोंग हॉरिजेंटल, ठीक है ना। तो एक तो हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, दूसरा होता है एफ साइन थीटा, ठीक है ना। यस, सो इन द पुल द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स अस। देखो बेटा शिप्रा, जिस चीज को हम अपनी ओर खींचते हैं हमारा फोर्स जनरली ऊपर की डायरेक्शन में आता है कि नहीं। कोई भी चीज को जब हम पुल करते हैं, जब मैं पुल करता हूं तो हमारा डायरेक्शन जो है ना वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है कि नहीं, मतलब ऊपर की तरफ। जब हम कोई भी बॉडी को, मान लो बेंच को पुल कर रहे होते हैं, मान लो जब मैं बेंच को पुल करते हैं हम, ठीक है, हमारा डायरेक्शन क्या है, मतलब हमारा फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है टुवर्ड्स अस, है ना। जब हम बॉडी को पुश करते हैं तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहता है टुवर्ड्स द बॉडी अवे फ्रॉम अस। ये फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने नीचे की तरफ लगा रहा हूं पुश में, है ना, सो दैट इज अवे फ्रॉम मी बट टुवर्ड्स द बॉडी। पुल करूंगा, अगर मैं पुल करूंगा अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, एक इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स मी अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पुल के केस में, पुल के केस में ये होता है कि तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऊपर, और तो एक वेट लगता है नीचे, और एक वेट लगता है नीचे, ठीक है ना। तो n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना, यहाँ पे नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अभी बच्चों पुश और पुल दोनों का केस देखो, थोड़ा दोनों को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो, है ना, हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो पुश में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, पुल में नॉर्मल रिएक्शन कम है। सो व्हेन वी आर पुलिंग द बॉडी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस, बट व्हेन वी आर पुशिंग अ बॉडी नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेस। सिंस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हेंस टू स्लाइड द बॉडी, है ना, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। जहां पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां पे हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, जहां पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है वहां पे हमारा अप्लाइड फोर्स कम है। तो जब हम बॉडी को पुश करते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया तो हमारा अप्लाइड फोर्स भी इंक्रीज होता है, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। जब हम बॉडी को पुल करते हैं तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होने से हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, हमें थोड़ा छोटा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए पुल करना हमारे लिए इजी होता है कंपेयर टू पुशिंग द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, यस सर, यस सर, है ना। यस सर,
इसको लिख सकते हो सब लोग अच्छे से? सब लोग समझ गए हो क्या रहा है ना? देखो इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ ना, व्हेन वी पुल अ बॉडी, व्हेन वी पुल अ बॉडी वी इंक्रीज, सॉरी वी डिक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी रिड्यूसेस, है ना, वाइल इट इंक्रीजेस व्हेन वी पुश इट, वाइल इट इंक्रीजेस व्हेन वी पुश द बॉडी, वाइल इट इंक्रीजेस व्हेन वी पुश द बॉडी, जबकि है ना वो इंक्रीज करता है जब हम बॉडी को पुश करते हैं, है ना, सिंस सिंस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सिंस सिंस फ्रिक्शन फोर्स है ना अपेयरिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपेयरिंग ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, हेंस हेंस है ना लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड है ना, सिंस फ्रिक्शन फोर्स अपीयरिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हेंस लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू है ना पुश ए बॉडी, सॉरी पुल ए बॉडी देन टू पुश इट, then to push it ना, hence it is easier to pull than to push, hence it is easier to pull than to push, एक बॉडी को पुश करने से उसको पुल करना इजी होता है, सॉरी है ना एक बॉडी को पुश करने से उसको पुल करना इजी होता है कि नहीं, इज दैट क्लियर? यस सर, वेरी गुड यस सर, वेरी गुड, है ना, तो इसका मतलब है तुम लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस मींस दैट now hopefully you all are able to understand everything properly, ठीक है ना? अच्छा, तो बच्चों next 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 चलते हैं ऊपर, है ना? अच्छा, अरे तुम समझे नहीं बेटा, तुम समझे नहीं बेटा, कहाँ पे नहीं समझे? कहाँ अरे बेटा पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ क्या है, जो मैंने समझाया है वही तो लिखा है वो पैराग्राफ में, पुल करना इजी क्यों होता है वो तुमको समझ में आ गया?
देखो बेटा, जहां हम पुल करते हैं, देखो बेटा ना, कोई भी बॉडी को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, कोई भी बॉडी को मूव करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए? फोर्स शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब हम बॉडी को पुश करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है, जब हम बॉडी को पुल करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया है ना, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है दैट शुड बी लेसर है ना, टू मूव ए बॉडी। दैट इज व्हाई पुलिंग अ बॉडी इज इजियर देन पुशिंग अ बॉडी। क्लियर? यस सर, क्लियर। यही चीज मैंने पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे, हेंस है ना, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी देन टू पुश इट। क्यों? क्योंकि लेस फोर्स क्यों रिक्वायर्ड है टू पुल अ बॉडी? क्योंकि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी वहां पे कम हो जाएगा, तो हमारा अप्लाइड फोर्स कम है, दैट इज व्हाई इट इज इजी। ठीक है, तो इतना सब नहीं लिख के यस मैंने सर, डायरेक्टली लिख लिया उसके बाद, है ना, यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड ना? तो तुम यहाँ पे दो सेंटेंस और ऐड कर सकते हो पैराग्राफ में। ठीक है, सीक्वेंशियल मैंने सीक्वेंस में से दो स्टेटमेंट स्किप कर लिया। ठीक है, यस सर, अच्छा अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। एक ब्लॉक है, एक ना ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर एक बढ़िया सा ब्लॉक है। ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर बढ़िया सा ब्लॉक है, ग्राउंड के ऊपर बढ़िया सा ब्लॉक है ना, ये मास एम है, ठीक है ना, तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, सॉरी फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है ना, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक ओवर द रफ सरफेस एज शोन इन द फिगर? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टू है ना स्लाइड द ब्लॉक What is the minimum force required to slide the block over the rough surface? As shown in figure. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? यस इज दैट सर, क्लियर है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है।
take this as homework. ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आज का क्लास ओवर है ना, कल इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो सब फास्ट लाइट से दिखा सकते हैं क्या? मैं थोड़ी लेट जान की थी। अच्छा सब इजी स्लाइड में बेटा। हेलो सर। ठीक है ठीक है, क्लास शुरू जी सारी क्या। अरे रुको रुको बेटा, यहाँ से ये पहला स्लाइड है। हो गया ठीक है, 5 मिनट अभी अगर क्लास जो अच्छी 5 मिनट में पहुंच ठीक है। हो गया यस सर। इतना इतना था क्या? यस सर। और भी होगा? नहीं अच्छा इजियर स्टूडेंट को पूछिए। हो गया चाहता बेटा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। क्या क्या हॉरिजेंटल फोर्स मिनिमम फोर्स लगता है? नहीं ना, कल बताऊंगा मैं, कल बताऊंगा। ओके सर, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सर।